अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में नाम कमाने वाले विश्व क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी अपने पिता की तरह सफल खिलाड़ी बनना चाहते हैं। अब इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। दरअसल सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने असम के खिलाफ विनोमांकड अंडर-19 घरेलू वनडे टूर्नामेंट में कमाल कर दिया। अर्जुन तेंदुलकर ने असम के खिलाफ 7 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट लिए। अर्जुन की तूफानी गेंदबाजी की बदौलत उनकी टीम ने 10 विकेट की आसान जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी असम की शुरुआत खराब रही। अर्जुन ने दानिश अहमद को LBW कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे स्पेल में ऋषिकेश बोरा और ऋतुराज विश्वास को पवेलियन भेजते हुए असम टीम पर दबाव बना दिया। असम की टीम 40.4 ओवर में 99 रनों पर ढेर हो गई। अर्जुन के अलावा मुंबई के लिए दिव्यांश ने 2 विकेट झटके। आसान से लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम ने 21.5 ओवर में बिना विकेट गंवाए 102 रन बनाकर 10 विकेट से जीत दर्ज की। मुंबई के लिए ओपनर यशस्वी ने नाबाद 56 और सुवेद ने नाबाद 41 रनों की पारी खेली। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।